की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहली चीज आप जानते ही होंगे क्यों ये प्रोटेस्ट चलने लग रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने फार्म लॉज पास किए थे। देश भर में ढेर सारे फार्मर्स को ये लॉज बिल्कुल पसंद नहीं आए। क्यों नहीं पसंद आए, इस चीज को मैंने इस पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। लॉ के बारे में डिटेल में बात करी है कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स हैं जो फार्मर्स को पसंद नहीं है और क्या उन्हें डर है इस लॉज से। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसके बाद मैंने दूसरे वीडियो में बात करी थी कि किस तरह से अनडेमोक्रेटिकली मोदी सरकार ने इन फार्म लॉज को राज्यसभा में पास करवाया। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों वीडियोस में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि फार्मर प्रोटेस्ट की रूट कॉज क्या है। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम पर। जब से बिल्स लॉ बने हैं, फार्मर्स अलग अलग तरीकों से अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं, और ये दिल्ली चलो मार्च इनका लेटेस्ट जरिया है प्रोटेस्ट करने का सरकार के अगेंस्ट। सरकार ने लेकिन पूरी कोशिश करी कि इस मार्च को रोका जा सके। बैरिकेड्स लगाकर, वाटर कैनन्स चलाकर, टीयर गैस फेंक कर, और एक जगह तो लिटरली इन्होंने हाईवे की खुदाई कर दी। हाईवे को तोड़ डाला, खोद डाला, ताकि फार्मर्स जो चल के आ रहे हैं वो क्रॉस ना कर पाए हाईवे को। हरियाणा में कई जगहों पर सेक्शन 144 लगाया गया, बस सर्विसेज को सस्पेंड किया गया, 100 से ज्यादा फार्म यूनियन मेंबर्स को अरेस्ट किया गया, अपेरेंटली खबर में आ रहा है 500 से ज्यादा फार्मर्स को अरेस्ट किया गया तमिलनाडु और कर्नाटका में। इनफैक्ट 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से परमिशन भी मांगी कि वो 9 स्टेडियम्स को टेम्पररी जेल्स में कन्वर्ट कर दे, जहां पर फार्मर्स को और प्रोटेस्टर्स को डाला जा सके। लेकिन थैंकफुली दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के अंदर आती है, बीजेपी के अंदर नहीं आती, तो इन्होंने इस परमिशन को रिजेक्ट कर दिया। अगर यहां भी बीजेपी की सरकार होती तो शायद आज के दिन ये किसान इन स्टेडियम जेल्स के अंदर बंद होते। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर अलाउ ही नहीं किया गया कि फार्मर्स गैदर हो पाए प्रोटेस्ट करने के लिए। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैम्फलेट्स और पोस्टर की प्रिंटिंग तक को रुकवा दिया जो प्रोटेस्ट के फेवर में छपाए जा रहे थे। लेकिन हमारे किसान भाई बहुत डेडिकेटेड हैं और अपने प्रोटेस्ट पर डटे रहे। जहां बैरिकेड्स लगाए गए थे, बैरिकेड्स के ऊपर से कूद कर गए, कहीं पर धकेल के हटा दिए गए बैरिकेड्स। जहां पर हाईवे खोदा गया था, वहां पर उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया और कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया उस मिट्टी को वापस डालने में, उस गड्ढे को भर दिया ताकि वापस उसके ऊपर से चल के जाया जा सके। जहां पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाए, वहां पर कुछ किसान भाइयों ने जाकर वहां पर गाड़ियों के ऊपर ऊपर से कूद कर इन्होंने वाटर कैनन को स्विच ऑफ किया। हालांकि जिस इंसान ने ऐसा किया उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा दिया सरकार ने। इस हद तक तरीके इस्तेमाल किए गए किसानों को रोकने के लिए फिजिकली सरकार के द्वारा, लेकिन फिजिकली किसानों को रोकना पॉसिबल नहीं है। एंड में सरकार कुछ नहीं कर पाई और हमारे किसान भाई दिल्ली पहुंच गए अपनी मार्च करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन इन फिजिकल तरीकों से ज्यादा खतरनाक है जो माइंड गेम्स सरकार का बिकाऊ मीडिया खेल रहा है किसानों को बदनाम करने में। आपको याद होगा दोस्तों, 2011-12 में जब एंटी करप्शन मूवमेंट हुई थी अन्ना हजारे की, तब मीडिया ने क्या अहम रोल निभाया था प्रोटेस्टर्स की डिमांड उठाने में, आम जनता के फेवर में आवाज उठाने में। आज के दिन मीडिया इतना बिक गया है कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट रोल प्ले करने लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया उस टाइम पे बिकाऊ नहीं था, उस टाइम भी होगा बिकाऊ, लेकिन आज के दिन जितना बिक चुका है मीडिया, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। प्रोटेस्टर्स की डिमांड उठाने की जगह मीडिया प्रोटेस्टर्स को ही डिफेम करने में लगा है, बदनाम करने में लगा है। कहीं पर खालिस्तानी बोला जा रहा है इन्हें, कहीं पर अर्बन नक्सल्स, तो कहीं पर कांग्रेसी फंडेड। हम सब जानते हैं कि 2011 की एंटी करप्शन मूवमेंट में बीजेपी आरएसएस का एक काफी बड़ा रोल रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि मीडिया ने उसको हाईलाइट किया हो या उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया हो कि ये प्रोटेस्ट तो बीजेपी फंडेड है, ये सारे बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं था ना। आज के दिन जब कुछ कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हैं, ऑपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हैं, तो कैसे इन्हें कांग्रेसी बताया जा सकता है। जी न्यूज ने हैशटैग चलाया, हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट हाईजैक्ट, हैशटैग आंदोलन में खालिस्तान, ये दिखाने के लिए कि कैसे खालिस्तानी लोग इस आंदोलन को सपोर्ट करने लग रहे हैं। टाइम्स नाउ ने हैशटैग चलाया, हैशटैग किसान कानून क्लैश, ये कहा कि ऑपोजिशन फार्मर्स को भड़काने लग रहा है, फार्मर्स की मास गैदरिंग से COVID-19 का स्प्रेड बढ़ सकता है। जबकि हैदराबाद में जो म्यूनिसिपल इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए बीजेपी के लीडर्स आते हैं, तब इन्हें कोई चिंता नहीं होती COVID-19 के स्प्रेड की। CNN न्यूज ने दिल्ली चलो को एक वॉर क्राय बताया और कहा कि कौन फार्मर्स को मिसलीड करने लग रहा है। न्यूज 18 इंडिया में अमीश देवगन ने टैगलाइंस चलाई कि कांग्रेस ने किसानों को उकसाया है। रिपब्लिक टीवी पर अर्णब गोस्वामी ने भी यही किया। इनफैक्ट दोस्तों, ऑलमोस्ट हर न्यूज चैनल पे मिसलेड शब्द बहुत सुनने को मिला कि भाई फार्मर्स को किसी ने मिसलीड किया है, तभी ये प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। ये तो बहक गए हैं किसी कांग्रेसी के इशारों में आकर, कहीं अर्बन नक्सल, कहीं खालिस्तानियों के इशारों में आकर, जैसे कि इनका खुद का तो कोई दिमाग ही नहीं है, इनकी खुद की कोई समझ नहीं है। अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मतलब किसी ने मिसलीड किया हुआ है। सिमिलरली सोशल मीडिया पर भी बीजेपी सपोर्टर्स और बीजेपी आईटी सेल के द्वारा एक बहुत बड़े स्केल पर
फर्जी खबरें फैलाई गई, प्रोपेगेंडा फैलाया गया किसानों को बदनाम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ये पोस्ट बड़ी वायरल हुई थी जिसमें एक इंसान ने ग्रीन कलर का टर्बन पहन रखा है और ये एलेज किया जा रहा है कि एक मुस्लिम इंसान है जो अपने आप को एज अ सिख डिस्गाइज कर रहा है इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए सरकार के खिलाफ। इसे एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया था जिसे प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। इस पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट लगाया गया फेसबुक प्रोफाइल का जिसपे नजीर मोहम्मद नाम के इंसान का नाम है, ये दिखाने के लिए कि ये देखो ये तो मुस्लिम इंसान है, ये अपने आप को सिख बना रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन रियलिटी क्या है, ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक ने बताया कि जो प्रोटेस्ट की पिक्चर है, फार्मर की पिक्चर है, ये फार्मर प्रोटेस्ट से पहले की पिक्चर है। तो यहां पर एक कंप्लीट फेक न्यूज फैलाई जा रही है बस किसानों को बदनाम करने के लिए और लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने के लिए। एक और इंसिडेंट में बीजेपी की प्रीति गांधी, जो कि बीजेपी की सोशल मीडिया की नेशनल इंचार्ज है, इन्होंने एक 15 सेकंड की वीडियो क्लिप ट्वीट करी जिसमें कि प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स उठाए जा रहे हैं। ये कहती हैं कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट में देखो ये खालिस्तानी स्लोगन उठ रहे हैं तो पक्का खालिस्तान स्पॉन्सर्ड है। बहुत से लोगों ने बिलीव भी कर लिया, लेकिन रियलिटी क्या थी, ये एक पुराना वीडियो था, ये वीडियो इंडिया का था भी नहीं, यूके का वीडियो था ये। ऐसी ही एक और फर्जी खबर कंगना रनौत तक ने ट्वीट करी, एक फोटो बुजुर्ग औरत की जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में भाग ले रही थी। इसमें गलत तरीके से क्लेम किया गया कि ये वही बुजुर्ग औरत थी जिन्होंने शाहीन बाग प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया था 2019 में सीएए के खिलाफ। दोनों औरतों में, दोनों दादियों में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन सिमिलर सी दिख रही थी, इसी रीजन को लेकर शेयर की गई कि देखो जो लोग सीए एनआरसी के खिलाफ बोल रहे थे वही लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी बोल रहे हैं, ये इनकी कंस्पिरेसी है। अब एक दफा के लिए अब ये भी इमेजिन कर लो दोस्तों, कोई इक्का दुक्का इंसान जो प्रोटेस्ट कर रहा है फार्म बिल्स के अगेंस्ट, वो खालिस्तानी सपोर्टर निकल भी जाता है, तो क्या ये रीजन हो सकता है पूरी मूवमेंट को डिसक्रेडिट करने के लिए? स्पेशली तब जब हम सब जानते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट का इंडिया में ऑलमोस्ट जीरो सपोर्ट है। नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक बहाना है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सारे प्रोटेस्टर्स को डिफेम करने के लिए। रियलिटी में से हो क्या रहा है दोस्तों, देश में डेमोक्रेसी नीचे गिरती जा रही है। ये चार्ट देखिए, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के द्वारा बनाया गया चार्ट है जिसमें दिखा रखा है कि देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इंडेक्स, सिविल लिबर्टीज का इंडेक्स, एकेडमिक फ्रीडम का इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स, ये सारे इंडेक्सेस में इंडिया की रैंक, इंडिया का स्कोर नीचे गिरता रहा है 2014 के बाद से। इनफैक्ट आज के दिन इतनी बुरी हालत है जितनी बुरी हालत इमरजेंसी के वक्त थी इंदिरा गांधी के अंदर। तो एजेंडा बड़ा क्लियर कट है कि ये दिखाया जाए ये जो किसान प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं ये किसान नहीं है पहली चीज तो, ये खालिस्तानी है, अर्बन नक्सल से जुड़े हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, एंटी नेशनल हैं, वही सारी चीजें जो इन्होंने पुराने प्रोटेस्ट के दौरान भी इस्तेमाल करी है, जैसे सीएएनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, देश भर से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन दिखाने की ये कोशिश करी जा रही थी कि लेकिन एक स्पेसिफिक सेक्शन पॉपुलेशन का प्रोटेस्ट करने लग रहा है, वही अर्बन नक्सल लिबरल लोग प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट चलने लग रहे थे वहां पर भी ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये ऑपोजिशन स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट थे, मिसलीड किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। डॉक्टर्स जब प्रोटेस्ट करते हैं मिसलीड किया जा रहा है डॉक्टर्स को, ये आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कल को आप किसी भी रीजन की वजह से सरकार पर सवाल उठाएंगे, सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपको भी इनकी जो पूरी मशीनरी है, इनकी बिकाऊ मीडिया, इनका आईटी सेल और इनके सपोर्टर्स, आपको भी इसी तरह से ही बदनाम करेंगे, डिसक्रेडिट करेंगे और ये अनेक अनेक शब्द इस्तेमाल करेंगे आपके लिए, एंटी नेशनल, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, कुछ भी हो सकता है। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि दिल्ली पुलिस ने फाइनली किसानों को अलाउ कर दिया है कि वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस कैरी आउट कर पाए दिल्ली के अंदर। बीजेपी ने अपनी इच्छा जताई है कि वो अनकंडीशनल टॉक्स करने के लिए तैयार हैं किसानों के साथ, अपनी डिसएग्रीमेंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी है आरएलपी, जो कि बीजेपी के साथ अलायंस में है। इन्होंने कहा है कि अपनी अलायंस तोड़ सकते हैं, धमकी दी है अगर बीजेपी ने किसानों की नहीं सुनी। ये दूसरी पार्टी होगी अकाली दल के बाद। पंजाब में अकाली दल बीजेपी के साथ एक अलायंस में पार्टनर हुआ करता था, उन्होंने भी अपनी अलायंस तोड़ दी थी फार्मर्स बिल पास होने के बाद। और कितनी भी कोशिश कर ली जाए किसानों को बदनाम करने की, रियलिटी तो यही है कि यही किसान लोग पुलिस वालों की मदद करने लग रहे हैं, उन्हें खाना खिलाने लग रहे हैं, वही पुलिस वाले जो इन पर डंडा चला रहे थे। किसानों की ये फोटो जिनमें वो पुलिस वालों को खाना खिलाने लग रहे हैं वायरल होने लग रही है, जताते हुए कि ये किसान जो प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं इनका कोई बाहर से कोई लिंक नहीं है, ये खुद अपनी मन मर्जी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक सवाल यह भी उठाएगा था यहां पर कि ये सिर्फ मेनली पंजाब के किसान ही क्यों प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तभी कांग्रेस की कंस्पिरेसी आ रही है यहां पर, यह भी नैरेटिव बिठाया जा रहा है लोगों में। लेकिन रियलिटी है दोस्तों, मोस्टली पंजाब और हरियाणा के किसान प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं क्योंकि इन्हीं को ही एमएसपी का बेनिफिट मिलता है। रियलिटी में 70-80%
किसानों को पंजाब हरियाणा में एमएसपी का बेनिफिट मिलता है, जबकि बाकी और स्टेट्स में किसान एमएसपी का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। किसानों की डिमांड्स बड़ी सिंपल हैं, सरकार इन्हें रिटर्न अश्योरेंस दे एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, और जो रिसेंटली 3 फार्म लॉस पास किए गए हैं सरकार उन्हें विड्रॉ कर ले। किसानों का मानना है कि अगर इन फार्म लॉस को अप्लाई किया गया तो धीरे धीरे ओवर टाइम जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं वो मोनोपोलाइज कर लेंगी एग्रीकल्चर सेक्टर को। जो प्रोक्योरमेंट होता है क्रॉप्स का वो इन कंपनीज के हाथों में आ जाएगा और कंपनीज इन किसानों को और भी कम दाम देंगी जितना आज के दिन इन्हें मिलने लग रहा है। इससे जो ऑलरेडी इतने किसान हमारे देश में मुश्किल स्थितियों से गुजर रहे हैं, कितने किसान खुदकुशी भी करने लग रहे हैं, उनकी हालत और भी बद से बदतर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।